अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदई फीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलीयकल फरज। करबलाए मौला बैनुल हरमैन, एक तरफ वफा के खालिक, एक तरफ सब्र व रज़ा के खालिक। करबलाए मौला मोहब्बतों का मरकज़, इश्क का मरकज़, मवद्दत का मरकज़। आइए करबलाए मौला की तरफ रुख कर लीजिए, सीने पे हाथ रख लीजिए, दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्ने बू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए मौला की बारगाह में सलाम अर्ज़ अकीदत अजर रिसालत के तौर पर पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह। अस्सलामु अलैका याबना रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैका याबना अमीरिल मुमिनीन वबना सय्यदिल वसीयीन अली इब्ने अबी तालिब। अस्सलामु अलैका याबना फातिमा अज़्ज़हरा सय्यदते निसाइल आलमीन वअलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बकीतु व बकियल लैलु वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला सुहाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फ़ज़्लिल अब्बास يابن امير المؤمنين وابن قائد الغر المحجلين المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين। अस्सलामु अलैका या कतीअल कफ़ैन। अस्सलामु अलैका या हिजाबा ज़ैनब। अस्सलामु अलैका या कमर बनी हाशिम। अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। करबलाए मौला की पाक धरती में आप सब की खिदमत आलिया में खुश आमदीद अर्ज़ करता हूँ। विफाकुल इस्लाम विफाकुल ईमान करबलाए मौला से आपका खादिम खातिब अहले बैत अलैहिस्सलाम सैयद जावेदुल हसन रिज़वी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम की आज किस्त नंबर 616 हम बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। और आज 1 अगस्त है 2021 ईस्वी है और 21
ज़िलहज्जा 1442 हिजरी है। आज हमारे साथ मेहमान होंगे नुहा खान, मनकबत खान, सलाम गुजार सैयद आदिल जैदी साहब कैलगरी कनाडा से, और नुहा खान सलाम गुजार सैयद सादिक हुसैन नकवी साहब इस्लामाबाद पाकिस्तान से, और नुहा मनकबत खान खुर्रम अब्बास साहब हैदराबाद सिंध से। खुदावंद मुताल का शुक्र है कि उसने हमें एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिम सलाम के लिए नसीब फरमाया। इस नेमत उज़्मा का अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि ये वो नेमत है जिसके लिए फरिश्ते आसमान में तरसते हैं और ज़मीन पे रहने वाले मुखलिसान खुदा इबादुल्लाह इस नेमत के लिए तरसते हैं, क्योंकि इबादत अल्लाह तबारक व ताला की बहुत बड़ी नेमत है और इखलास रखने वाले अल्लाह की इबादत करने के लिए हमेशा बेताब रहा करते हैं। इबादत कई अकसाम से होती है, जिनमें से एक किस्म नमाज पढ़ना है, एक किस्म दरूद पढ़ना है, एक किस्म अल्लाह तबारक व ताला के बंदों की मदद करना है, एक किस्म आ जाती है ज़कात देना है, एक किस्म हज करना है। फुरुआत दीन की अकसाम को आप शुमार कर सकते हैं। एक किस्म ये भी है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जाए। अल्लाह तबारक व ताला अपनी बारगाह के अंदर इसे इबादत शुमार करता है, और तीन इबादतें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने कलाम मुबारक में फरमा दी थी कि जिक्र अली ने इबादा, हुब अली ने इबादा, और नजर वाला वजह अली ने इबादा। ये तीन इबादतें तो मोमिन के दिल में रहती हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नुहा खान, मनकबत खान, सलाम गुजार सैयद आदिल जैदी साहब कैलगरी कनाडा से। अस्सलामु अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जावेद भाई, क्या हाल है, आप ठीक हैं? करम मौला का एहसान है, आपकी खैरियत का तालिब हूँ। या अली मदद। मौला अली मदद, सब खैरियत ठीक ठाक है, सदा आबाद रहे, मौला आपको आबाद रखे। बैनुल हरमैन, करबलाए मौला, दिलों की धड़कन है हमारी, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम बैनुल हरमैन में आपकी आवाज़ गूंज रही है। चाहूँगा मोहब्बतों का नजराना बारगाह अक़दस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम में हदिया कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। बुलंदतर सलावात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद, मुअज्जिल फरजहु। दिल पर अली अली है, ज़बाँ पर अली अली, मर जाऊं तो कफन पे भी लिखना अली अली। गुलशन में एक रोज यूं बादे सबा चली, खुश हो के जिक्र करने लगे फूल और कली। ऐ बागबानी सार हो किस्मत तेरी खुली, आते हैं सैर करने को मुश्किल खुशावली। मुश्किल खुशावली मुझे दुनिया में गम न हो, लेकिन गमे हुसैन मेरे दिल से कम न हो। जाती है अगर जान तो बेशक चली जाए, अब्बास के परचम पे कभी आँच ना आए। नारा हैदरी अली। कब्र के हाल से मुझको न डरा, पहले से कब्र के हाल से मुझको न डरा, पहले से होगा मौजूद मेरा उकदा कुशा, पहले से कब्र के हाल से। ऐ फरिश्तों जवाबा, तुम्हें कैसे दूं? ऐ फरिश्तों
जवाबात तुम्हें कैसे दूं, मुंह में रखी है मेरे खाके शिफा पहले से कब्र के हाल से। और मैं तो कहता हूँ के इस्लाम न कुरान होता, मैं तो कहता हूँ के इस्लाम न कुरान होता। और खल्क होते नागर अहले किसा पहले से, खल्क होते नागर और यूं तो अब्बास का अंदाज जुदागाना था, यूं तो अब्बास का अंदाज जुदागाना था, वरना मौजूद थी इस घर में वफा पहले से कब्र के हाल से। بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرج حمد کربلا والوں پہ دو آنسو بہا کر دیکھ لو، کربلا والوں پہ دو آنسو بہا کر دیکھ لو، کربلا والوں پہ دو آنسو بہا کر دیکھ لو، لندن لے گریا ہے کیا مجلس میں آ کر دیکھ لو، کربلا والوں پہ دو جن کو بولے خدا، جن کو بولے خدا نور کی انجمن، ہاں یہ ہے پنجتن، ہاں یہ ہے پنجتن، ان میں پہلے محمد ہے نور خدا، یہ امین اور صادق یہی مصطفیٰ، ان کے دم سے ہے قائم یہ سارا چمن، ہاں یہ ہے پنجتن، ہاں یہ ہے پنجتن، دوسرا نور ہے علم مولا علی، ان کے ہاتھوں سے ساری یہ دنیا بنی، ہے یہی بت شکن، ہے یہ خیبر شکن، ہاں یہ ہے پنجتن، ہاں یہ ہے پنجتن، تیسری بات مردیا راضیا، شان ان کی بیان میں کروں اور کیا، دختر مصطفیٰ ہے علی کی دعا،
दुल्हन, हाँ ये है पंजतन, हाँ ये है पंजतन। वो है चौथा कि जिसने गला गुलम का सिर्फ नौके कलम से कर दिया। है लकब मुश्तबा नाम का हसन, हाँ ये है पंजतन, हाँ ये है पंजतन। पांचवे हैं हुसैन इब्ने शेरे खुदा जिनके दम से है आबाद करबो बला। ये दिले सैयदा हैं ये शाह जमन, हाँ ये है पंजतन, हाँ ये है पंजतन। اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل بركاته ما شاء الله। अल्लाह आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाएं, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें। बहुत मोहब्बत, बहुत इखलास के साथ आपने अहले बैत अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और उनके जिक्र को पेश किया। अहले बैत अलैहिस्सलाम आपके घराने पर, आपकी नस्लों पर रहमतें बरकतें नादिल फरमाएं। जिक्र का सदका जल्द करबला मौला पहुँच कर बारगाह अकदस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम में आपको जिक्र करने का शरफ नसीब हो। ये शराफतें आपकी नस्लों में जारी हो, सारी रहें, सदा आबाद रहे आपका घराना मोहब्बत और मार्फत अहले बैत अलैहिस्सलाम से। जहाँ जहाँ पर रहें अहले बैत अलैहिस्सलाम की मवद्दत आपके साथ रहे, अहले बैत अलैहिस्सलाम की रहमत आपके साथ साथ रहे, सदा आबाद रहें। यह आपका अपना प्रोग्राम है। जब जब मौका मिला मौला का जिक्र करने के लिए दावत देने का शरफ हासिल करता रहूँगा और उम्मीदवार रहूंगा कि आप भी हम नवाई फरमा कर इस महफिल को, मोहब्बतों भरी महफिल को आबाद रखेंगे। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें। ये थे हमारे साथ नुहा खां, मनकबत खां, सलाम गुजार सैयद आदिल जैदी साहब कैलगरी कैनेडा से। खुदावंद ने मुताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाएं, तौफीकात खैर में इजाफा फरमाएं। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें और हमेशा आपकी सदा सदाए हुसैनी रहे, आपकी सदा सदाए इमाम अली अलैहिस्सलाम रहे, आपकी सदा हमेशा सदाए इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की पुकार बनकर रहे। सलामत रहें, आबाद रहें। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम और मासूमीन अलैहिस्सलाम के लिए हमेशा जिस शख्स ने जब कहीं जहां कहीं काम किया अल्लाह तबारक व ताला ने उसको बेहतरीन अंदाज में अजर अता फरमाया। एक सादी सी अता तो यही है कि जो भी जिक्र करता है जिस अंदाज में भी करता है, नोहा खानी करता है, मनकबत खानी करता है, शायरी करता है और या कोई शख्स सोज़ो सलाम खानी करता है या कोई नात खानी करता है, जो शख्स भी अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र करता है अव्वल तो सबसे बड़ा अतिया ये है उसको कि उसे जाकिर कहा जाता है। जाकिर होना कोई छोटी सी नेमत नहीं है, उसे जाकिर कहा जाता है। और आखिरत का तो फिर अल्लाह ही जानता है उसका क्या मकाम होगा, क्योंकि मम बका ओ अबका ओ तबाका लल हुसैन वजबत लहुल जन्ना। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नुहा खां व सलाम गुजार सैयद सादिक हुसैन नकवी साहब इस्लामाबाद पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। जावेद हसन भाई कैसे हैं आप? मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, करम बीबी का एहसान है, आपकी दुआएं हैं, करीम करबला का एहसान है। और आप सुनाइए आप कैसे हैं, खैराफियत से इंशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ज़ात अल-अमीरदल के एहसान है। मेरे लिए बहुत बड़ी सआदत है कि मैं आपके चैनल के तवसत से बैनुल हरमैन में नजराना अकीदत पेश कर रहा हूँ। मौला सलामत रखें आपको। और सबसे पहले तो दुआ करता हूँ कि आज के इस दौर में जो ये जो आलमी वबा है, पेंडेमिक वबा जो इस टाइम फैली हुई है, मालिक सरकार सैयद शहदा के सदके और सरकार शहनशाह वफा के सदके तमाम बनी नौ इंसान को इस आलमी वबा से अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाहुम्मा आमीन। और हाल ही में मेरे नहायत ही अजीज चचा जान सैयद लाल हुसैन नकवी और मेरे नियत अजीज़ मामू सैयद सलीम शाह हुसैनी आलम दीन थे, बहुत बड़े फाजल तहसील थे कुम से, उनकी डेथ हुई है। तो सरकार हम दुआ करता हूँ कि सरकार बाबुल हवाइज सरकार मौला अब्बास के जवार में हों ये हस्तियाँ। और साथ ही जिन अहबाब ने मेरे जिम्मे दुआएं लगाई थी कि जब आप को ये शर्फ हासिल हो बैनुल हरमैन में मनकबत पढ़ने का तो हमारे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, तो मैं और जितने भी मेरे कज़न रिश्तेदार अहबाब जिन जिन ने मेरे जिम्मे दुआएँ लगाई थी दुआ को हूँ कि सरकार सरकार वफा सरकार सैयद शहदा अपने दरबार में दर्ज एहतजाब को वो तमाम दवाएं पहुँचे। सबकी मुश्किलात आसान हों
मालिक साहब के लिए आसाना पैदा फरमाए। और आदिल दीदी साहब ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में नजराना अकीदत पेश किया, तो आप दुआ फरमाएंगे, मैं अभी चंद अशआर जो है मनकबात की पेश करूंगा। बिस्मिल्लाह, इनायत हो। फिक्रो फन से अली है या अली के बेटे, सुभान अल्लाह। फिक्रो फन से अली है या अली के बेटे, अब लगन सिर्फ अली है या अली के बेटे, फन सिर्फ अली है या अली के बेटे, लहजाए लाम का लहमी मुहम्मद ने कहा जान मन सिर्फ अली है या अली के बेटे, जान मन सिर्फ अली है या अली के बेटे। बिस्मिल्लाह। तुम रिवायात में देखो तो वली और भी हैं, पर आयतन सिर्फ अली है या अली के बेटे, आयतन सिर्फ अली है या अली के बेटे, और बुत बनाने में तो शामिल थे कबीले सबके, पर बुत शिकन सिर्फ अली है या अली के बेटे, बुत शिकन सिर्फ अली है या अली के बेटे, और लफ्ज मिन्नी ने बताया के मुहम्मद जैसे मिन 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 अन सिर्फ अली है अली के बेटे, वाह 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 वाह, अन सिर्फ अली है या अली के बेटे। और काबिले और शेर, सबकी कब्रें ठिकाने हैं
मदीने में मगर सबकी कब्रें ठिकाने मदीने में मगर बे वतन से अली है या अली के बेटे बे वतन से अली है या अली के बेटे फिक्रो फंस अली है या अली के बेटे माशाल्लाह 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 बहुत प्यारा कलाम पढ़ा। आपके पास चार मिनट है, अगर कुछ और इनायत करना चाहें तो। मालिक आपको जज़ाए खैर दे, मैं दो शेर और पढ़ लेता हूँ। बिस्मिल्लाह। दश्त करबल सजदे में थे जब इमामे दो सरा दश्त करबल सजदे में थे जब इमामे दो सरा उस घड़ी मरकूज उन पर उस घड़ी मरकूज उन पर थी जहां भर की निगाह करबल सजदे में थे इमाम में दो सरा बारगाह यज़दान में सर बसजदा जब हुसैन बारगाह यज़दान में सर सजदा जब हुसैन थर 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 से आ रही थी मारो मारो सदा हर तरफ से आ रही थी मारो मारो की सदा जेर खंजर भी वो कैसे पुर सकूं अंदाज में जेर खंजर भी वो कैसे पुर सकूं अंदाज में। बहुत प्यारा कलाम पढ़ रहे थे आप, शायद नेट की प्रॉब्लम हुई आपकी तरफ से। खुदावंद मुताल आपके पढ़े कलाम को अपनी जनाह में मकबूल फरमाए। अहले बैत अलैहिस्सलाम इस जिक्र का सदका जल्द आपको करबलाए मौला पहुँच कर बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिस्सलाम में हदिया जिक्र पेश करने का शरफ़ नसीब फरमाए। शराफतें आपकी नस्लों में जारी और सारी रहें। बहुत प्यारा कलाम, बहुत प्यारी आवाज़, बहुत इखलास के साथ आपने बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिस्सलाम में हदिया जिक्र पेश किया। यकीनन अहल
अहले बैतलहम उस्लाम आप पर इस जिक्र का सदका हमेशा रहमत बरकत नाजिल फरमाए रखेंगे। जब जब मौका मिला मौला का जिक्र पेश करने के लिए मैं दावत देने का शरफ हासिल करता रहूँगा और उम्मीदवार रहूँगा आप भी हम नवाई फरमा कर इस मवद्दतों भरी मोहब्बतों भरी और इश्क भरी महफिल को अहले बैतलहम उस्लाम की बारगाह के अंदर आबाद रखेंगे। सदा आबाद रहे आपका घराना मोहब्बत अहले बैतलहम उस्लाम से, मारफत अहले बैतलहम उस्लाम से, इश्क अहले बैतलहम उस्लाम से, मवद्दत अहले बैतलहम उस्लाम से। आपकी नस्लों में हमेशा अहले बैतलहम उस्लाम की मारफत जारी और सारी रहे। सदा जिक्र अहले बैतलहम उस्लाम करते रहें। दुनिया व आखरत में आपको जिक्र अहले बैतलहम उस्लाम का शरफ नसीब फरमाए, शरफ नसीब हो, ये शराफतें आपकी नस्लों में जारी और सारी रहें। ये थे हमारे साथ नोहा खां व सलाम गुजार सैयद सादिक हुसैन नकवी साहब इस्लामाबाद पाकिस्तान से। खुदावंद मुताला पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा जिक्र अहले बैतलहम उस्लाम करते रहें। ढेर सारी आपके लिए दुआएं, आपकी दुआओं की कबूलियत के लिए दुआएं और आपकी ज्यारत के लिए दुआएं। मौला आप पर रहमत बरकत नाजिल फरमाए। बरकत तो है ही अहले बैतलहम उस्लाम का जिक्र, बरकत तो है ही अहले बैतलहम उस्लाम की मोहब्बत, बरकत तो है ही अहले बैतलहम उस्लाम का कुर्ब। ये ना हो तो कुछ भी कबूल नहीं है, इनकी मोहब्बत ना हो तो हर चीज़ बेकार है, ये ना हो तो दुनिया दुनिया नहीं है, दुनिया के अंदर खूबी नहीं है, इनके अलावा दुनिया में खूबी बल्कि है ही नहीं। अगर ये ना हो तो दुनिया वैसे ही जिस तरीके से अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से तलाक याफ्ता है गुर्री गैरी, इस तरीके से मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते थे ऐ दुनिया मेरे गैर को धोखा देना, अहले बैतलहम उस्लाम अगर इस दुनिया के अंदर ना होते तो यकीनन ये दुनिया भी जहन्नुम ही है। खुदावंद मुताल ने हमारे लिए रहमतों का सबब अहले बैतलहम उस्लाम को करार दिया है। ऐसे हादी हैं, ऐसे रहनुमा हैं, ऐसे लीडर हैं, ऐसे पेशवा हैं, ऐसे इमाम हैं कि जिनकी मौजूदगी में हमारी निगाह किसी और पर पड़ती ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है हमें किसी और की तरफ देखने की, क्योंकि इनसे बेहतर अगर कोई होता तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी मवद्दत को वाजिब करार देते, अजरे रिसालत उनकी उनकी मोहब्बत होती जो इनसे कोई बेहतर होता, इनसे बेहतर कोई भी नहीं है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने जो बेहतरीन अजर करार दिया वह अहले बैतलहम उस्लाम की मवद्दत को करार दिया। आज 21 ज़िलहज थी, 21 ज़िलहज का दिन आपके यहाँ काफ़ी ममालिक में पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तकरीबन गुजर गया है क्योंकि मगरिब की नमाज़ हो चुकी है आपके यहाँ, इशा की अज़ान का वक्त होता जा रहा होगा, कुछ इलाकों के अंदर इशा का वक्त भी यानी फजीलत मगरिब का वक्त ख़त्म हो के इशा की फजीलत का वक्त शुरू हो गया होगा तकरीबन आप लोगों के यहाँ। और यकीनन आप लोगों का जी भी जो जो अयाम मुहर्रम आ रहे हैं आपका जी चाह रहा है कि आप करबला आए हैं, आपका जी चाह रहा है करबला की तरफ आपके लिए कोई रास्ता खुल जाए, आपका जी चाह रहा होगा अहले बैतलहम उस्लाम की ये अय्याम ऐसे अय्याम हैं जिसके अंदर इंतज़ार भी है, इंतज़ार की ये खुशी भी है कि हम अहले बैतलहम उस्लाम का हक अदा करने की कोशिश करेंगे, गम का तासुर भी है, काले कपड़े तैयार किए जा रहे हैं जो मुख्तलिफ आप लोगों ने कैबिनेट्स या संदूकों में रखे थे उन्हें निकाल रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं ताकि पहने, कुछ लोगों की आदत होती है वो पुराने से पुराने कपड़े पहनते हैं मुहर्रम के अंदर, ये बहुत अच्छी आदत है कि अहले बैतलहम उस्लाम के गम को गम के अंदाज़ में मनाया जाए, अहले बैतलहम उस्लाम के दुख को दर्द समझ के महसूस किया जाए, अहले बैतलहम उस्लाम के इस हुज़्न को अपने दिल और रूह और जिस्म और दिमाग के ऊपर तारी किया जाए, यही मोहब्बत का हक है, यही हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व ताला की हम पर एक बहुत बड़ी नेमत है। यकीनन अहले बैतलहम उस्लाम से कुर्ब हासिल करने का मतलब ही यही है कि अहले बैतलहम उस्लाम की तरफ हम मायल हों और अहले बैतलहम उस्लाम की तरफ तमायुल पैदा करें। आज हमारे साथ जो दोस्तान मैसेजेस लिखते रहे उनके मैसेजेस भी पढ़ देता हूँ, वक्त मेरे हाथ आ गया है। तो हमारे साथ जो दोस्तान मौजूद रहे उनमें से लिखने वालों के अंदर सैयद फर्रुख अब्बास नकवी साहब हैं। अस्सलामु अलैकुम या अली मद अलैहिस्सलाम मदद, क्या हाल है भाई, इल्तमासे दुआ। मौला पाक मुहर्रम में हर आज़ादार की हिफाजत फरमाएं, मौला मुझे भी करबला आना नसीब फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलाम मदद, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं, आपकी जो परेशानियां दूर फरमाएं, और आपने जो दुआ की यकीनन हक बनता है इस पूरा शोब ज़माने में, हर मोमिन के इज़्ज़त व नामूस व माल व जान की हिफाजत के लिए दुआ मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल फरमाए, आप पर भी अल्लाह ताला रहमत बरकत नाजिल फरमाए।
फिर साकिब रिजा साकिब साहब ने लिखा, सलाम या हुसैन अम्माबाद, सलाम जनाब किबला जावेदुल हसन साहब, जजाय खैर अता हो मोहतरम आदिल जैदी साहब, मौला आप पर भी सलाम भेजें। सलाम का जवाब यकीनन सलाम ही होता है, मौला आप पर दरूद हो सलाम नाजिल फरमाएं अपनी जानिब से, सलाम हो आप पर भी, मेरी तरफ से भी सलाम हो आप पर। और वाकई आपने अच्छी दुआ की जनाब मोहतरम आदिल जैदी साहब के लिए कि अल्लाह ताला उन्हें वाकई जजाय खैर अता फरमाए, और जजाय खैर खैर को जो खैर अमल से पुकारा गया अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की विलायत है। बहुत अच्छी दुआ दी आपने कि अल्लाह ताला हमेशा आपको विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मुतमस्सिक रखे। फिर ये हमारे साथ मौजूद थे सैयद हसन अब्बास साहब, उन्होंने लिखा, सलाम या मौला, लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम, इल्तमा से दुआ। वाकियन आपने बहुत प्यारा मुख्तसर अंदाज के अंदर लिखा, सलाम हो मौला के ऊपर, वाकियन सलाम है उनके ऊपर, अल्लाह भी उन पर सलाम भेजते, हमारी तरफ से भी नजरान अकीदत सलाम है, लब्बैक या हुसैन मौला आपको, और यौम आशिर मुहर्रम 61 हिजरी में अपनी पुकार पर लब्बैक कहने वालों में शुमार फरमाएं। मौला की पुकार में जो भी लब्बैक कहता है वो लब्बैक यानी मौला की पुकार पर जवाब हम दे रहे होते हैं, मौला आपकी इस लब्बैक को कबूल फरमाए। और शोना साइम, अब ये साहिबा हैं, शोना साइम साहिबा तकरीबन खातून ही हैं, लिखा, सलामत रहें भाई, मौला आपको भी सलामत रखें, आप भी सदा आबाद रहें, मौला आप पर रहमत बरकतें नाजिल फरमाएं, सदा अहले बैत अलैहिस्सलाम के जिक्र में वक्त बसर हो आपका और अहले बैत अलैहिस्सलाम का कुर्ब नसीब हो। फिर सैयद हसनैन शाह हसनैन अब्बास शाह साहब ने लिखा, मौला हमें जल्द अपनी ज़ियारत नसीब फरमाएँ, मौला आपकी दुआएँ कबूल फरमाएँ। जब आप लोग ये दुआ मांगते हैं तो हमारी भी आँखें भर जाती हैं, यकीनन जो चाहत वाले हैं जो अब तक नहीं आ सके मौला उनके लिए रास्ते आसान फरमाएँ। फिर फरदीन जाफ़र बेग साहब ने लिखा, लब्बैक या हुसैन, मौला आपके पुकार को 10 मुहर्रम 61 हिजरी की पुकार पर लब्बैक कहने वालों में शुमार फरमाएं। और सैयद मोहसिन नकवी साहब ने लिखा, माशाल्लाह मौला पाक सलामत रखें सादिक भाई को, मोहसिन नकवी साहब मौला आपको भी सलामत रखें, आप भी आबाद रहें और सादिक भाई भी सदा आबाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें। और जाकिर सैयद मुर्तज़ा शाह साहब ने लिखा, सलाम या हुसैन, जाकिर साहब मौला आप पर भी सलामतियाँ बरकतें नादिल फरमाएं, जल्द कर बलाना नसीब व दरी पकड़ कर कहें सलाम या हुसैन, उस वक्त दिल की धड़कनों की कुछ और ही हालत होगी, मौला आपकी ये दुआ कबूल फरमाएं। फिर सैयद हसनैन अब्बास शाह साहब ने लिखा, दुआओं में याद, मौला आपके सदा आबाद रखें, दुआएँ आप सब मोमिनीन के लिए, मौला आपको सुख चैन अता फरमाएं, इस पूरा शोभ ज़माने में मौला आप पर रहमत बरकतें नादिल फरमाएं। आरिफ नकवी साहब ने लिखा, जी हैं सलामत रहें भाई, मौला आपको भी सलामत रखें, सदा आबाद रहें, मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाएं। फिर सैयद हसनैन अब्बास शाह साहब ने लिखा, जी हो भाई, मौला आपको भी ज़िंदगी अता फरमाएं। फिर सैयद अली अब्बास नकवी साहब ने लिखा, लब्बैक या हुसैन, मौला आपके इस तलबिये को अपने 10 मुहर्रम की पुकार पर लब्बैक कहने वालों में अपने अंसार के अंदर आपको शुमार फरमाएं। आरिफ नकवी साहब ने लिखा, इल्तमा से दुआ, मौला आपकी दुआ कबूल फरमाएं। सकीना अली साहिबा ने लिखा, इल्तमा से दुआ प्लीज़, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, मौला आपकी जो जो नेक तमन्नाएं हैं मौला पूरी फरमाएं। फिर सदफ़ फातिमा साहिबा ने लिखा, लब्बैक या हुसैन, मौला आपकी पुकार को भी अपनी पुकार पर लब्बैक कहने वालों में शुमार फरमाएं, अपने यावरान और अंसार के अंदर आपको भी शुमार फरमाएं जिन्होंने 10 मुहर्रम को मौला की बारगाह में लब्बैक कहा, मौला आपको भी उनमें शुमार फरमाएं। फिर सकीना अली साहिबा ने लिखा, लब्बैक या इमाम अलैहिस्सलाम, मौला आपके तलबिये को भी अपनी जनाब में मकबूल फरमाएं। सकीन अली साहिबा ने लिखा, सलाम या मौला अलैहिस्सलाम, मौला आपके सलाम को कबूल फरमाएं और आपकी ज़ियारत को ज़ियारत मकबूला में शुमार फरमाएं। और फिर हमारे साथ YouTube के ऊपर जो ये पहले मैं Facebook के ऊपर से पढ़ रहा था, अब ये YouTube के ऊपर जो दोस्तान लिखते रहे उनके नाम पढ़ देता हूँ। सैयद एतज़ाज़ साहब ने लिखा, माशाल्लाह मौला आपको भी हर बदखा से बचाएं, बदनज़र से बचाएं। और सैयद एतज़ाज़ साहब ने लिखा, बहुत खूब, मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाएं। और सैयद कमर नकवी साहब ने लिखा, माशाल्लाह बहुत खूब, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं, आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाएं। और गुफरान अब्बास साहब ने लिखा, सलाम या हुसैन, मौला आप पर भी सलामती बरकत नादिल फरमाए, जल्द करबला आकर ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर पकड़ कर ज़रिए की जालियां सलाम कहना नसीब हो, मौला आपकी कलम में ज़ोर अता फरमाए और आपको हमेशा अहले बैत अलैहिस्सलाम के जिक्र से मुतमसिक रखे। हुब अली साहब ने लिखा, सलाम या हुसैन, सलाम या अब्बास, मौला आपके सलाम को कबूल फरमाएं, आपकी पुकार को कबूल फरमाएं। और हुब अली साहब ने लिखा, इल्तमा से दुआ आगा, आपके लिए भी दुआएं, ढेर सारी दुआएं, मौला आपकी परेशानियां दूर फरमाएं, जो आपकी दुआएं हैं मौला कबूल फरमाएं।
और हुबली साहब ने लिखा, बेशक आगा यकीनन किसी बात को पसंद किया है आपने, किसी जुमले के जवाब में लिखा है। मौला आपके इस जुमले को अपनी जनाब में मकबूल फरमाएं और आपकी दुआएं कबूल फरमाएं। वो दोस्तान जो शरीक रहे प्रोग्राम में देखने के एतबार से और शिरकत के एतबार से मौला उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। जनाब नोहा मनकबत खान, सैयद आदिल जैदी साहब हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं, बिस्मिल्लाह कहते हैं। जी बिस्मिल्लाह जैदी साहब, आदिल जैदी साहब हमारे साथ हैं जी। नोहा मनकबत खान, खुर्रम अब्बास साहब हैदराबाद सिंध से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सैयद, या अली मदद। मौला अली सलाम मदद सैयद, बड़ी देर से हाजिर हुए, मैं तो समझ रहा था शायद कहीं मसरूफ हो गए जी। वक्त मुख्तसर है, ज्यादा वक्त ना लू, बिस्मिल्लाह कीजिएगा, इनायत हो। तुम्हें शहर में मिलेंगे, जा रहा हूँ जैना। अब तुम्हें शहर में मिलेंगे, जा रहा हूँ जैना। और दुख सुख भी करेंगे, और दुख सुख भी करेंगे, जा रहा हूँ जैनो। तुम्हें शहर में मिलेंगे, जा रहा हूँ जैनो। खुद को तन्हा समझना, होंगे हमने खुद को तन्हा समझना, होंगे हमने भाई सब साथ चलेंगे, भाई सब साथ चलेंगे, जा रहा हूँ जैना। अब तुम्हें शहर में मिलेंगे, जा रहा हूँ जैना। इन यतीमों की तुम है, हौसला देना इन्हें। इन यतीमों की तुम है, हौसला दे आईने। ये अंधेरों से डरेंगे, ये अंधेरों से डरेंगे, जा रहा हूँ जैना। अब तुम्हें शहर में मिलेंगे, जा रहा हूँ जैना। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाएं, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिम सलाम करते रहें। वक्त मुख्तसर था, आपने बहुत प्यारा कलाम पढ़ा, आपके लिए दुआ गूँ। खुदावंद मुताला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाएं, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिम सलाम करते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी आपके साथ साथ हूँ, जब जब मौका मिला मौला का जिक्र करने के लिए दावत देने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा। उम्मीदवार रहूँगा आप भी हम नवाई फरमा कर इस जिक्र की महफिल को आबाद रहेंगे, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिम सलाम करते रहें। ये थे हमारे साथ नोहा मनकबत खां, खुर्रम अब्बास साहब हैदराबाद सिंध पाकिस्तान से। खुदावंद मुताला आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा जिक्र अहले बैत अलैहिम सलाम करते रहें। ये जिक्र, ये मोहब्बत आपकी नस्लों में जारी व सारी रहे, इंशाल्लाह आपके साथ साथ हैं। जिस तरीके से आप जानते हैं कि दोस्तान हमारे साथ यूट्यूब पर भी शरीक रहते हैं और फेसबुक पर भी शरीक रहते हैं, हमारी ऐप के ज़रिए से भी हमें देखते हैं, जादू टीवी, रॉको टीवी, अमेज़न फायर टीवी, एपल टीवी के ज़रिए से भी हमें देखते हैं। यकीनन जहाँ जहाँ से देखते हैं, खुदावंद मुताला आपकी इस दीदार को सवाब में शुमार फरमाए। आएँ मिलकर मौला की बारगाह में उनके ज़हूर की दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फ़रज वल आफियत व नसर, वजअलना मिन खैर आवानिही व अंसारिही, वजअलना मिनल मुस्तशहदीना बैना यदैही।